Open YouTube, type Step 2 Engineering, get it on the top. Go to Playlists, here you can find all the subjects that I have taught. Also you can search my name Nabarun Jana on YouTube. Find the same channel on top. Subscribe it and like my official Facebook page Step 2 Engineering. Thank you. Hello YouTube, main hu Nabarun Jana aur is video mein main properties of pure substance aapko padhaunga. To pehle jaan lete hain what is pure substance. To pure substance ka definition mein ye bola hai. Ye pure substance is a substance of constant chemical composition throughout its mass. इसका मतलब सोचिए आपके पास ये पॉट है और इसके अंदर एक मटेरियल रखा हुआ है. इस पॉट में आपने जो मटेरियल रखा throughout its mass, अगर इस मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन सेम रहा तो हमने इसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं. सोचिए कि ये एक पॉट है और इस पॉट में इतना है आइस और ऊपर है वाटर. क्या हमने इसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं? जरूर इसको प्योर सब्सटेंस आप बोल सकते हैं, क्योंकि आइस का कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन और वाटर का लिक्विड वाटर का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने इसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं. यानी आपके पास अगर कोई मटेरियल है और उसमें मोर देन वन फेज है तब भी उसको हमने उसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, अगर थ्रू आउट इट्स मास केमिकल कंपोजिशन सेम रहा तो. आप मैं और एक एग्जांपल दूंगा. सो आपके पास अगर ये सोचिए एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने एयर रखा है. बेसिकली एयर क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सर. सो यहाँ दो मटेरियल मिक्सर हुआ है यहाँ, लेकिन इस सिलेंडर के अंदर हर जगह में अगर केमिकल कंपोजिशन सेम रहा तब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एयर भी एक प्योर सब्सटेंस है. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है क्या है प्योर सब्सटेंस. सो उस हिसाब से अगर आप प्योर सब्सटेंस को ढूंढने जाएंगे तो इस धरती में बहुत सारा प्योर सब्सटेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन हमको एक ही प्योर सब्सटेंस चुनना है और उसका ही प्रॉपर्टी पढ़ना है. तो हमने इस केस में चूज करेंगे वाटर को, क्योंकि हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ने का यही रीजन है ताकि हम लोग बाद में वेपर पावर साइकिल को समझ सके. और वेपर पावर साइकिल मेनली थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, और थर्मल पावर प्लांट में जो मेन प्योर सब्सटेंस यूज होता है वो है वाटर. तो हम लोगों का यही काम होता है ताकि बाद में वो चैप्टर हमको समझ में आए, इसलिए वाटर का ही प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए. तो चलिए मेरे साथ वाटर का ही जो कि है एक प्योर सब्सटेंस उसका प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं. मैं चार कॉन्फ़िगरेशन दूंगा. कॉन्फ़िगरेशन वन. सो कॉन्फ़िगरेशन वन में हमने इसमें वाटर है जो कि है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सो और इसमें सोचिए कि एयर में है यानी 1 atm प्रेशर में है. तो प्रेशर क्या है? 1 bar. ठीक है, आप आते हैं कॉन्फ़िगरेशन टू में. आप सोचिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, जैसे कि मान लीजिए अब ये 1 kg का वाटर है, यहाँ भी वही 1 kg का वाटर है और यहाँ भी प्रेशर इक्वल टू 1 bar. और इसको आप सोच सकते कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड फॉर्म में है ये. सो अगर इसको हमने कुछ लैटेंट हीट दे देते तो क्या होगा? वही 1 bar प्रेशर में वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बिल्कुल वेपर हो जाएगा. तो उसको हमने मानेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन थ्री. सो कॉन्फ़िगरेशन थ्री में हमने वही 1 kg वाटर को प्रेशर इक्वल टू 1 bar में है कुछ लैटेंट हीट दे दिया और वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो बेसिकली ये वाटर नहीं रहेगा, वेपर फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, सो ये लिक्विड है और ये है वेपर. अब इसमें वेपर ड्रॉ कर दूंगा तो ये कंटेनर में नहीं रह पाएगा, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आप लोग शायद समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ. इसको समझ में आएगा. अब एक पिस्टन सिलेंडर वाला सिस्टम कर दीजिए तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. आप सोचिए कि ये पिस्टन का ऊपर 1 bar है, तो ये भी पिस्टन है, ये भी 1 bar है और यहाँ भी पिस्टन है. तब इसको हम लोग वेपर ड्रॉ कर सकते हैं, वॉल्यूम का चेंजेस होगा
लेकिन वन बार में अब इसको हम वेपर ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो ये बेसिकली वेपर हो गया, ठीक है। भी आप सोचिए, वही वन बार में वही सेम अमाउंट ऑफ वेपर को हमने और हीट कर दिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब क्या होगा? ये वेपर एकदम सुपर हीटेड हो जाएगा। अब ये सुपर हीटेड टर्म कहाँ से आया ये तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आप उतना समझ लीजिए कि ड्राई वेपर, ठीक है, उसको हम लोग अभी सुपर हीटेड वेपर समझेंगे। तो ये बन गया प्रेशर इक्वल टू 1 बार और टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये भी सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। सो अगर हमने इस चार पॉइंट्स को टीवी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? तो सोचिए कि ये मेरा टीवी डायग्राम है, ये है टी एक्सिस और ये है वी एक्सिस। तो 1 बार प्रेशर में जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तब इसका कुछ वॉल्यूम था। सोचिए कि ये पॉइंट है इसका वॉल्यूम और ये है 20 डिग्री, सो ये बेसिकली 20 डिग्री हो गया सेंटीग्रेड, और इसका कुछ वॉल्यूम होगा 1 kg का, जो भी होगा इसको भी 20 लिख देते हैं। अब हमने और टेम्परेचर बढ़ाया 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आएगा इसमें। सो बेसिकली वी गामा टी इस इक्वेशन को फॉलो करके इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो अभी टेम्परेचर भी 100 डिग्री है, तो सोचिए कि ये टेम्परेचर 100 डिग्री यहाँ है और वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया, तो ये भी 100 हो गया। तो बेसिकली पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन 1 वाला पॉइंट है, ये गया कॉन्फ़िगरेशन 2 वाला पॉइंट में। अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 3 में क्या है। कॉन्फ़िगरेशन 3 में वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहा, ये वेपर हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया लेकिन टेम्परेचर वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन वॉल्यूम अब ये नहीं रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ के यहाँ हो जाएगा। तो इसको भी हमने भी 100 लिख देते हैं और सफिक्स में भी लिखते हैं, मतलब वेपर, और इसमें एल लिख देते हैं क्योंकि ये लिक्विड। सो 100 डिग्री वाला टेम्परेचर लाइन में रहेगा और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये मिल गया 0.3। अब कॉन्फ़िगरेशन 4 को देखिए, यहाँ हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 240 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कर दिया। तो बेसिकली ये भी वी गामा टी फार्मूला को फॉलो करते हुए वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर 250 यहाँ सोच लीजिए, अब वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, तो इसको सोच लीजिए कि वॉल्यूम 250। तो बेसिकली जो पॉइंट आपको मिल जाएगा वो है यहाँ, तो ये आपको मिल गया 0.4। तो आप सोचिए कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि 1 bar प्रेशर में कैरी हो रहा है। तो इसको अगर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? आपका ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो लाइन मिला ये क्या है, ये किसका लाइन है? ये तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, आइसोबारिक लाइन है ये बेसिकली एक। सो ये लाइन का नाम हम दे देते हैं 1 bar, ठीक है। आप सोचिए फिर से, आप अगर कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2, कॉन्फ़िगरेशन 3 और कॉन्फ़िगरेशन 4, इस चार कॉन्फ़िगरेशन को फिर से अगर आप टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि प्रेशर 10 bar कर दीजिए, तो क्या होगा? वही ग्राफ आएगा, लेकिन इस पॉइंट का बात सोचिए, अब 1 bar में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जब 10 bar हो जाएगा तो उस केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर का जो ये पॉइंट्स है, ये सारा पॉइंट भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये जो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बढ़ जाएगा। तो जब हमने प्रेशर 1 bar से 10 bar कर देंगे तब भी वही ग्राफ मिलेगा, लेकिन ये जो ग्राफ इसका ऊपर होगा। तो सोचिए एक ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो ग्राफ आया इसका नाम दे देते हैं हम
वन डैश, इसका नाम टू डैश, ये है थ्री डैश और ये है फोर डैश। सो इसका नाम हम दे देते हैं 10 बार वाला ग्राफ, क्योंकि ये भी तो आइसोबारिक लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सो इस तरह से अगर जितना सारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन आएगा इस डायग्राम में, उस सारा प्रेशर लाइन का टू टू डैश टू डबल डैश इतना जितना सारा पॉइंट आएगा इसको हम जोड़ सकते हैं, और वैसे ही थ्री थ्री डैश थ्री डबल डैश जितना पॉइंट आएगा ये भी जोड़ सकते हैं। तो अगर हमने इसको जोड़ दिया तो आपको दिखेगा कि एक कर्व कुछ इस तरह बन गया है, और इस कर्व को जो ब्लू पेन में हमने ड्रॉ किया इसको हम लोग बोलते हैं वेपर डोम। और हमने देखा ये जो पॉइंट टू क्या था, कॉन्फ़िगरेशन टू क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड था। सो बेसिकली ये जो लाइन है इसमें जितना पॉइंट्स है वो सब बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड फेज को डिस्क्राइब करता है। और कॉन्फ़िगरेशन थ्री को देखिए, यहाँ देखिए ये भी बॉइलिंग पॉइंट है लेकिन ये वेपर स्टेट है, इसका मतलब पॉइंट थ्री थ्री डैश थ्री डबल डैश इसको जोड़ने वाला जो लाइन है ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर फेज को डिस्क्राइब करता है। आई होप कि ये वेपर डोम का डायग्राम कैसे आया है आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि वेपर डोम का कौन सा लाइन को सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोला जाता है और कौन सा लाइन को सैचुरेटेड वेपर लाइन बोला जाता है। तो बेसिकली देखिए टू टू डैश टू डबल डैश इस पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन को हमने बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्योंकि इस सारा पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट में होता है वाटर और लिक्विड फेज में होता है, तो इसलिए इस लाइन को हमने बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और इस लाइन को यानी थ्री थ्री डैश थ्री डबल डैश इस पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन को हमने बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर लाइन, क्योंकि इस पॉइंट्स पर वाटर का फेज ऐसा होता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है और वो वेपर फेज में होता है, तो इसलिए हमने इसको सैचुरेटेड वेपर लाइन बोलेंगे। और जहां सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन मीट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल स्टेट। तो अब चलिए क्रिटिकल स्टेट का कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो क्रिटिकल स्टेट में जो प्रेशर और जो टेम्परेचर रहता है वो है 221.2 बार और 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक सवाल यहाँ से आ जाता है कि सोचिए कि आपके पास कुछ वाटर है जो कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है, सोचिए कि वो लिक्विड स्टेट में है। अब उस कंडीशन में अगर थोड़ा सा हीट उसको दे दे तो क्या होगा, वो सडनली बास्ट कर जाएगा वेपर में। अगर क्रिटिकल पॉइंट पर वेपर रहता है और उससे हमने कुछ हीट को खींच लेते हैं तो क्या होगा, तो सडनली वाटर बन जाएगा। सो आई होप कि क्रिटिकल स्टेट क्या होता है और उसका ऊपर यानी इससे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में वाटर का प्रॉपर्टी क्या होता है वो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है। अब हमने इस टी वी डायग्राम को और थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस वेपर डोम से जो की पॉइंट्स हम लोगों को सीखने मिला है वो है कि इस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इस लाइन को हमने बोल सकते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का लेफ्ट साइड में हमने वाटर का लिक्विड फेज को देखेंगे और सैचुरेटेड वेपर लाइन का राइट साइड में हम लोग सुपर हीटेड वेपर को देखेंगे। और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन का अंदर यानी वेपर डोम का अंदर हमने वाटर का लिक्विड और वेपर दोनों फेज ही हम लोग देख पाएंगे। तो अगर इसमें हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करने जाए तो वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इस तरह का होगा।
तो ये कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट टेम्परेचर वाला लाइन होगा ये, ठीक है, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का अंदर हमने ये देखा है प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ है लिक्विड फेज और यहाँ है वेपर फेज। तो बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फेज चेंज होता है, और फेज जब चेंज होता है तब वाटर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट रह जाता है। और इस फेज में आने के लिए जो एनर्जी का जरूरत होता है उसको हमने बोलेंगे लैटेंट हीट। और एक बात है, आपने अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ भी ना देखे, जो कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जगह यहाँ देखेंगे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसको स्मॉल वी में लिखा जाता है वो है वॉल्यूम पर मास। यानी 1 kg वाटर के लिए अगर आपने एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए जो वॉल्यूम आएगा उसको हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे। तो यहाँ अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम को हमने हमेशा स्मॉल वी से ही डिनोट करेंगे। तो की पॉइंट्स में हम लोग ये सीख लिया है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। और जो याद रखने वाली बात है वो है कि वेपर डोम का लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टेम्परेचर वाला लाइन ऊपर होता है, और वेपर डोम का राइट साइड में कांस्टेंट प्रेशर वाला लाइन ऊपर होता है। सो इसको हमने लिख देते हैं, ये है लिक्विड जोन है, वेपर डोम के अंदर है लिक्विड प्लस वेपर जोन है, और यहाँ है बिल्कुल वेपर जोन। और नेक्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारा डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उससे वाटर का प्रॉपर्टीज को समझने का कोशिश करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू।